हेलो गाइस, क्रेजी ट्रिक्स विद महेंद्र में आपका स्वागत है। वैसे आज हम रेलवे के जो हेडक्वार्टर से भारत में जो रेलवे जोन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कहाँ पर कौन सा रेलवे जोन है। ठीक है, तो इसको हम किसी भी ट्रिक के द्वारा नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम इस मैप के द्वारा एक कॉन्सेप्ट बेस समझेंगे कि कहाँ पर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम शुरू देखते हैं, फर्स्ट में हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे। देखो, उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो देखिए, नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन सी फेमस सिटी है, दिल्ली है। ठीक है, आप सभी को पता है, तो इसका नई दिल्ली आ जाएगा कि भाई नॉर्थ रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। अब देखते हैं हम कि उत्तर तो हमारा हो गया, ठीक है, अब देखेंगे हम दक्षिण। तो दक्षिण में जो फेमस सिटी है वो कौन सी आती है, सारे काम कहाँ पर होते हैं, चेन्नई में होते हैं। ठीक है, तो दक्षिण रेलवे यानी कि साउथ रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो आ जाएगा आपका चेन्नई में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मैप में बना रहा हूँ, इसके बाद मैं लिस्ट जो है मेरे पास बनी हुई वो भी मैं आपको वीडियो में आगे शो कर दूंगा, तो आप भी नोट डाउन कर लेना। तो देखो, उत्तर में है, उत्तर में क्या आ जाएगा हमारा, नई दिल्ली आ गया। सीख, ठीक है, अब उत्तर तो हो गया हमारा। देखो, हम इस तरीके से घूमेंगे कि हमारा नॉर्थ साउथ, उसके बाद हम आ जाएंगे इधर ईस्ट में, फिर इधर आएंगे वेस्ट में, फिर ये बीच बीच में जो होता है इसको हम देखेंगे कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सिर्फ यही चीज हमें देखनी है, इतने में हम क्लियर कर देंगे। तो जरूरत क्या, आप एक बार ध्यान रखिए कि कहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना, तो आप एग्जाम में इसको सर आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो उत्तर हो गया हमारा, नॉर्थ में जो है नॉर्थ रेलवे का नई दिल्ली है, साउथ रेलवे हो गया, तो ये दोनों तो हमारे हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद हम चलते हैं ईस्ट में। तो ईस्ट रेलवे का जो है हमारा पूर्व रेलवे का, यहाँ पर पूर्व में कौन सा फेमस सिटी है, कोलकाता, आपको पता ही है। ठीक है, तो कोलकाता आ जाएगा, कोलकाता में तीन हेडक्वार्टर है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे अभी कौन कौन सा क्या क्या है। तो एक तो हो गया हमारा पूर्व रेलवे का यानी कि ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर, देन उसके बाद आएंगे हम वेस्ट में। तो वेस्ट में क्या आता है फेमस सिटी में, बॉम्बे आता है। ठीक है, तो मुंबई आ जाएगा, ये कि मुंबई में जो है हमारा वेस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई के चर्च गेट में। ओके गाइस, अब इसके बाद देखते हैं, तो हमारा हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों दिशाएं हो गई। अब हम बीच में चलते हैं। ठीक है, तो ऊपर से चलेंगे हम इस तरीके से, यहां से यूं। ठीक है, ये दिशा, ये चारों निपट गई, इनमें से अब हम इधर चलते हैं बीच में, फिर उसके बाद इधर चलेंगे। तो इसको लेंगे हम उत्तर पूर्व बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, फिर इसको दक्षिण पूर्व बोलते हैं और दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में भाई जो फेमस सिटी आएगी आपकी वो आती है गोरखपुर। क्लियर हुआ? तो उत्तर पूर्व के जो रेलवे का मुख्यालय है वो आ जाएगा आपका गोरखपुर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो हेड क्वार्टर है आपका वो है गोरखपुर में। क्लियर हुआ गाइस? उसके बाद अब उत्तर पूर्व हो गया, इस दिशा में हम चले गए, अब इधर जाएंगे, तो इधर क्या आता है हमारा, जयपुर आता है। ठीक है, तो वेस्ट रेलवे का जो हेड क्वार्टर है वो आ जाएगा आपका जयपुर में। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। अब उसके बाद चलते हैं दक्षिण पूर्व का रेलवे का, तो दक्षिण पूर्व का भी आपका कोलकाता में है, याद रख लेना आप। साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे का भी यहाँ पर है, पूर्व रेलवे का भी कोलकाता में है, और एक मेट्रो, कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता में है। ठीक है, तो तीन हो गए यहाँ पर, कितने हैं, तीन है। अब अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे याद होंगे हमें, तो सिर्फ अभी आप बिल्कुल बिना लोड लिए आप देखते चलिए एक बार मैप को पूरा क्लियर, और उसके बाद में अपन, मैं लिस्ट दे दूंगा अभी आपको वीडियो में ही, तो आप उसमें से नोट डाउन कर लेना। देन उसके बाद आप एक बार अपने पास इस तरीके से मैप बनाना, उसमें अपने हिसाब से इनको फिट करना, उसके बाद मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये इधर हो गया हमारा पूर्व का भी, दक्षिण पूर्व रेलवे का हो गया। अब उसके बाद देखते हैं दक्षिण पश्चिम, इधर हो गया, तो इधर है दक्षिण पश्चिम में एक हुबली आता है, तो ये आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट रेलवे।
ठीक है, तो साउथ वेस्ट रेलवे का भी हुबली हो गया। अब देखते हैं हम, दो है, एक आएगा हमारा, ये चारों दिशा में घूम लिए, अब हम इस तरीके से बीच बीच के पॉइंट देखेंगे, तो ये कौन सा होगा हमारा, उत्तर मध्य हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर के मध्य में है, तो ये दोनों बाद बाद आते हैं, मतलब बाद लिखा हुआ है लास्ट में, ये ऐसे याद रखना है हमें, सिकंदराबाद। ठीक है, तो उत्तर मध्य का हो जाएगा आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद, उसके बाद में साउथ सेंट्रल रेलवे का हो जाएगा सिकंदराबाद। लिस्ट में आप देखेंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप सिर्फ आपको मैप में देखना है। ठीक है, सिकंदराबाद हो गया। अब देखते हैं पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा था, उत्तर पूर्व रेलवे, अब पूर्व मध्य रेलवे, तो एक और चीज़ है यहाँ पर, पूर्व मध्य रेलवे यानी कि हाजीपुर में है वो। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, क्लियर हुआ। अब आपको ऐसे याद रखना है कि इस जगह पे हम गए थे तो इधर तीन थे, एक तो गोरखपुर था जो कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है, फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का है, और एक ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। तीन हेडक्वार्टर इस कोने में है, तीन इस कोने में है, इधर एक है, इधर एक एक, बाकी सब जगह है, तो बॉम्बे में एक और आएगा। ठीक है, देखते हैं मध्य रेलवे, ठीक है, वेस्ट रेलवे और मध्य रेलवे। ठीक है, सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो भी बॉम्बे में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से। अब एक आता है आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, तो ये भी महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र के मालेगांव में आता है। तो देखो पूर्वांतर सीमांत रेलवे इस तरीके से लिखा हुआ है, वो एक सीमांत रेलवे। ठीक है, तो सीमांत रेलवे से आपको याद रखना है, सीमा सीमा जो है वो माल लेके गई, ठीक है, मालेगांव, सीमांत रेलवे। अब पूर्व तटीय, तो पूर्व तटीय में कौन सा है, भुवनेश्वर है, तो इस तरीके से भी इसको हम देख सकते हैं, भुवनेश्वर। ठीक है, अब उसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या है, एक और हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो दक्षिण पूर्व यह आ जाएगा रायपुर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में है ये बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये एक बार अभी आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमारा मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश का तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर में है। तो इस तरीके से मैप में आप एक बार अपने पास बनाइए, अपने पास बनाने के बाद में ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, उत्तर रेलवे का हमारा नई दिल्ली में है, दक्षिण रेलवे का आपका चेन्नई में आ जाएगा, पूर्व रेलवे का आपका कोलकाता में, पश्चिम रेलवे का आपका आ जाएगा मुंबई के चर्च गेट में। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका उत्तर पूर्व रेलवे, है ना, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तो वो आपका आ जाएगा अपना गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद में आपका उत्तर पश्चिम रेलवे, तो उत्तर पश्चिम रेलवे इस तरीके के डायरेक्शन में, तो वो आपका जयपुर। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये आपके पास, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इनको। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आप अपने पास भी मैप बनाइए, और मैप में इनको इसी तरीके से आप एक बार खुद से डिजाइन करके उनको देखिए कि कहाँ पर कौन सा है, जैसे आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद में आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।